Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for gate aspirant. यह है lesson number 15 इस course का और इस lesson में हम discuss करेंगे numericals on first order system. So first है question number 28, the initial value of the unit step response of the transfer function s plus 1 upon 2 s plus 1 is. तो यहाँ पर इस question के लिए जो transfer function हमें given है उसका जो function होगा उसके लिए हमें initial value calculate करनी है. So हमें यहाँ पर transfer function given है, transfer function को हम लिखते हैं gs equal to ys upon xs equal to s plus 1 upon 2s plus 1. Now अब हमें देखिए इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज करेंगे. इनिशियल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं लिमिट टी टेंस टू जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो ऑन एफ ऑफ टी इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एस होता है, और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो वाई एस है, तो ये एफ ऑफ एस की जगह हम पुट करेंगे वाई ऑफ एस. तो यहां से देखिए अभी हमें गिवन है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, तो मैं x of s को लिख सकता हूं यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s, बिकॉज यहां पर हमें यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है, तो इसके लिए लाप्लास मैंने लिख लिया 1 बाई s. तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं, यहां से मुझे y of s मिल जाएगा, y of s इक्वल टू 1 अपॉन s मल्टीप्लाई बाई s प्लस 1 डिवाइड बाई 2s प्लस 1. ये फंक्शन हमें मिल गया. नाउ अब ये जो इनिशियल वैल्यू टर्म की स्टेटमेंट है, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस f of s को ys के साथ, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू इनफाइनाइट s मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन s इंटू s प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 1. नाउ यहां पर s से s कैंसिल हो जाएगा. अब हम इसमें डायरेक्टली लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी हम पुट करेंगे, तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगा. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट, न्यूमरेटर और डिनोमेटर में से हम एस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1 प्लस 1 अपॉन एस, देन डिनोमेटर में हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन एस. तो यहाँ पर एस से एस कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है 1 अपॉन एस जो है जहां पर लिमिट हमारे पास में है एस टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0. तो जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी. क्लियर है? तो यहां से मुझे मिल जाएगा आंसर 1/2. तो 1/2 हम देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, द ट्रांसफर फंक्शन. ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया था गेट 2000 का क्वेश्चन था. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 इस कोर्स का, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 5 इंटू एस प्लस 6 द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो बेसिकली यहां पर जो डिनोमिनेटर में हमें इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेसिकली यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. ओके, सो द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड. ये बेसिकली ये जो टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इसमें पूछा था कि ये जो रूट है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, वो हमें बताने हैं कि वो इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड में होंगे या राइट साइड में होंगे, लाइक जस्ट उन पे कमेंट करना है. तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सिंपल सा सॉल्व करने का तरीका. जो डिनोमिनेटर में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके सबसे पहले हमें रूट कैलकुलेट करना है. तो इसके रूट निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दिया. नाउ इसको हम ब्रेक करते हैं, एस इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2s है. इसके हम रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसके रूट कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है s इक्वल टू बी यहां पर है 5 माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 5 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 1. तो यहां से जब मैंने इसके रूट कैलकुलेट किए तो मुझे मिलता है यहां पर माइनस 3 एंड माइनस 2, मीन जो दो रूट मिले. अब देखिए सिंपल मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं कि ये हमारा x एक्सिस है, सो x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस, एंड ये y एक्सिस है, y एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस. क्लियर है यहां तक? नाउ अब देखिए हमें जो रूट हमें मिले हैं वो माइनस 3 एंड माइनस 2 रियल एक्सिस पे नेगेटिव साइड में रहेंगे. यहां पर ये माइनस 2 माइनस 3, मीन जो रूट हमें मिले हैं वो रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं और इमेजिनरी एक्सिस के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में. क्लियर है? ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ इमेजिनरी एक्सिस है और ये राइट हैंड साइड हुआ. तो यहां पर देखिए जो रूट हमारे थे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस एंड ऑन द रियल एक्सिस. सिर्फ इतना कमेंट किया. अब वो स्टेबल है या स्टेबल नहीं है वो सब चीज हम आगे डिस्कस करेंगे जब ये प्रॉपर टॉपिक, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ए रेक्टेंगुलर टैंक इज फिल्ड a rectangular tank is filled with a wall at the bottom and
एंड इज एंड यूज फॉर स्टोरिंग ए लिक्विड. मतलब एक सिंपल सा टैंक हमारे पास है जो लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है और उसके बॉटम में मतलब आउटलेट लाइन में एक वॉल लगा हुआ है. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वॉल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द टैंक इज 10 meter square. मीन जो टैंक का एरिया है वो हमें गिवन है 10 meter square. क्लियर है यहां तक. एंड द फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल इज 0.1 seconds per meter square. एंड द टाइम कॉन्स्टेंट जो रेजिस्टेंस है इस सिस्टम के लिए रेजिस्टेंस हमें गिवन है 0.1 seconds per meter square. क्लियर है. द टाइम कॉन्स्टेंट इस सिस्टम के लिए हमें टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना है जिसको हम टाउ या टाउपी से डिनोट करते हैं. तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल होता है. रेक्टेंगुलर टैंक इज फिल्ड विद अ वॉल एट अ बॉटम. जो हमने पढ़ा था फर्स्ट टाइप का सिस्टम लिक्विड लेवल सिस्टम. तो ये लिक्विड लेवल सिस्टम का एग्जांपल है. लिक्विड लेवल सिस्टम के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन पता है. लिक्विड लेवल सिस्टम के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं H of S upon QIS equal to हम लिखते हैं R upon A into R into S plus 1. तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं केपी अपॉन टाउपी इन टू एस प्लस वन से. तो केपी यहां पर आ रहा है एंड जो टाउपी है लिक्विड लेवल सिस्टम के लिए डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए टाउपी को हम लिखते हैं ए इंटू आर. तो ए यहां पर एरिया हो गया जो 10 मीटर स्क्वायर गिवन है और रेजिस्टेंस आर हमें गिवन है 0.1. तो यहां से मुझे मिल जाएगा 1. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए 1 ऑप्शन ए. ऑप्शन ए टाइम कॉन्स्टेंट इस सिस्टम के लिए होगा 1. Now, next देखिए क्वेश्चन नंबर 31. The time constant of a first order system. The time constant of a first order system with resistance R and capacitance. तो हम first order system के लिए time constant जो tau p है उसको हम लिखते हैं capacitance into resistance. इस capacitance को आप लिख सकते हो storage भी लिख सकते हो. Storage हो गया, area हो गया. क्लियर है. जैसे हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिक्विड लेवल सिस्टम के लिए tau p इक्वल टू लिखा था हमने A into R. तो वही चीज यहाँ पर resistance है और capacitance को यहाँ पर सी दिया हुआ है. तो सी इंटू आर हो गया मतलब ए को हमने रिप्लेस कर दिया सी से. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाउपी फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम टाउपी इक्वल टू आर इंटू सी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32. द गेस क्रोमेटोग्राफी इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ. तो गेस क्रोमेटोग्राफी जो है वो कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम. क्लियर है. ये क्वेश्चन बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन का है. प्रॉपर जब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट तब हम यहाँ पर अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको कि गैस क्रोमेटोग्राफी कंसंट्रेशन के लिए होता है और भी कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर. प्रेशर मेजर करने के लिए कौन से पैरामीटर कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं. टेम्परेचर के लिए लाइक हम थर्मोकपल पायरोमीटर ये सब हम यूज करते हैं. वो प्रॉपर मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33. ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 33. ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद अ टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ 1 minute is subjective to frequency response analysis. At an input frequency of 1 radian per minute, the phase shift. अब देखिए, because मैंने आपको जब response जो different type of input की जो responses हमने discuss किए थे, उसमें हमने एक frequency sinusoidal response भी discuss किया था. तो उस पर भी इसी question है basically कि एक first order system है जिसके लिए time constant हमें given है time constant tau p equal to 1 minute is subjected to frequency response analysis. तो ये क्वेश्चन तो वैसे frequency response analysis का है लेकिन हम already sinusoidal input पढ़ चुके हैं. sinusoidal function का response हम पढ़ चुके हैं first order system के लिए. तो हम इस क्वेश्चन को solve कर सकते हैं जहां पर हमें input frequency given है omega equal to 1 radian per minute. क्लियर है. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है इस सिस्टम के लिए फेज शिफ्ट. तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए जो इनपुट होता है वो होता है साइनोसोडियल टाइप का इनपुट होता है. और साइनोसोडियल इनपुट के लिए हम लिखते हैं x of t equal to a where a is the amplitude into sin omega t. और जब फाइनली हमने रेस्पॉन्स देखा था तो रेस्पॉन्स स्टेडी स्टेट कंडीशन पे हमें मिला था a अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ टाउ स्क्वेयर into omega square plus 1 multiply by sin omega t plus phi where phi is the phase shift. ये जो phi है basically ये होता है phase shift. ये phase shift हमें calculate करना है और इस phi को मैंने बताया था आपको इसकी value हमें मिली थी 10 inverse minus tau p into omega. तो इस question में आप देख सकते हो हमें tau p given है. tau p 1 minute है and minus के साथ में and omega given है 1. तो minus को हम बाहर लिख सकते हैं 10 inverse 1 होता है pi by 2 10 inverse sorry pi 45 phi equal to minus of 10 inverse 1. तो 10 inverse 1 अपना होता है 45 degree. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेंटीग्रेड नहीं आएगा 45 degree यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है. तो अब देखिए ये जो टाइम है ये फेस शिफ्ट है भी
फेज शिफ्ट इज इक्वल टू -45। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? -45 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी यहां पर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में फेज लेग पूछा होता तो आंसर हमारा हो जाता 45A। ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। 5/4 होगी 45। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था गेट 1998 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गेट 99 का ये क्वेश्चन है। ए साइनसोइडल वेरिएशन इन इनपुट पासिंग थ्रू ए लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अगेन साइनसोइडल वेरिएशन पर आ गए। हमने जो पढ़ा था साइनसोइडल रेस्पॉन्स, उस टाइम मैंने आपको बताया था, अभी जो हमने लास्ट पेज में लिखा था कि देखिए साइनसोइडल जो इनपुट होता है उसके लिए फंक्शन होता है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी। देन हमने आउटपुट देखा, आउटपुट रेस्पॉन्स साइनसोइडल फंक्शन के लिए हमने पढ़ा, तो हमें मिला yt at स्टेडी स्टेट इक्वल टू ए अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ टाउ पी स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ डब्ल्यू ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी, प्लस 5 इज द फेज शिफ्ट। ये हमने देखा। तो इन दोनों को हमने ऑलरेडी कंपेयर किया था कि अगर मैं इनपुट की बात करूं, कंपेयर करूं आउटपुट को इनपुट के साथ में, तो हमें इनपुट कुछ मिला था इस तरीके का इनपुट हमें मिला था। ये था इनपुट। देन जब आउटपुट हमने देखा तो आउटपुट हमारा यहां पर कुछ इस तरीके से था। इसका जो एम्पलीट्यूड था बेसिकली वो डिक्रीज हो गया था। मैं यहां पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं इसको। फ्रीक्वेंसी सेम थी, नेचर ओके यहां पर ये इससे लेस रहेगा। मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है और एक फेस लेग यहां पर आ जाता है, फेस लेग। तो ये जो फाई है, अगर फेस लेग की बात करते हैं तो हम इसको नेगेटिव साइन, बिकॉज फाई हमारा ऑलवेज रहता है माइनस ऑफ 10 इनवर्स ओमेगा इंटू टाउ पी, ये टर्म रहती है हमारी, जो फाई हमेशा नेगेटिव में रहता है। इसको अगर हम फेस लेग बोले तो 10 इनवर्स ओमेगा इंटू टाउ हो जाता है। तो हमें यहां पर पूछा गया है कि साइनसोइडल वेरिएशन के लिए जो इनपुट है, ओके साइनसोइडल वेरिएशन इन द इनपुट पासिंग थ्रू लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो बेसिकली अगर साइनसोइडल वेरिएशन हम प्रोवाइड करें सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के आउटपुट रिस्पॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां पर पूछा गया फर्स्ट ऑप्शन बिकम मोर ऑसिलेटरी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी मोर ऑसिलेटरी का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो सिस्टम ज्यादा ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट मतलब यहां पर ये ऑसिलेटरी बोलते हैं इस नेचर को। तो ओमेगा सेम रहता है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बिकम्स लेस ऑसिलेटरी, लेस ऑसिलेटरी का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज ओमेगा कॉन्स्टेंट रहता है। फ्रीक्वेंसी दोनों में आप देख सकते हो, यहां पर भी ओमेगा है, यहां पर भी ओमेगा है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देखिए आप, एम्पलीट्यूड यहां पर डिक्रीज हो जाता है। यहां पर एम्पलीट्यूड ए है, यहां पर एम्पलीट्यूड ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाउ पी स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो ये डिनोमिनेटर में जो है पॉजिटिव टर्म रहेगी, तो ऑलवेज जो एम्पलीट्यूड है यहां पर आउटपुट में वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। यहां पर भी हमने ग्राफ से भी देखा था इसको अच्छे से। तो एक चीज हमें पता लगे कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने का मतलब होता है गेट अटेन्यूएटेड। गेट अटेन्यूएटेड मतलब एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो गया है, उसका जो अभी हम बोल सकते हैं कि अमाउंट जो है, यहां पर जो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू मिल रही है वो पहले से इनपुट की कंपेरिजन में हमें कम मिलने वाली है। वही चीज मैंने यहां पर लिखा है, देखिए मैग्नीट्यूड डिक्रीज है, अटेन्यूएटेड का मतलब मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, बिकॉज काफी अच्छा आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर साइनसोइडल इनपुट, साइनसोइडल वेरिएशन के लिए इनपुट से अगर हम आउटपुट में कंपेयर करें तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, देन उसके अलावा जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड उसके अलावा एक फेस लेग भी हमें मिलता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 गेट 2004 का ये क्वेश्चन है। फॉर द टाइम डोमेन फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किसका पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी फ्रॉम 0 to t dt इज गिवन बाय। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन होगा, हमें लाप्लास कैलकुलेट करना है, हमें जो फंक्शन गिवन है इसको एफ डैश टी में लिख लेता हूं। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी में इस कंप्लीट टर्म को एफ डैश टी बोल रहा हूं, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया 0 to t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ एफ टी डी टी। नाउ अब ये एफ टी की वैल्यू हमारे पास में टी है, तो ये हम सब्सिट्यूट कर देते हैं यहां पर टी डी टी। तो अब सबसे पहले तो हम इनसाइड में जो टाइम है हम इसको सोल्व करेंगे यहां पर टी का इंटीग्रेशन, तो टी का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे यहां पर टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2। नाउ इसका अब हम लाप्लास कर देंगे तो इसका लाप्लास हो जाएगा 1/2, तो कॉन्स्टेंट टाइम है। नाउ टी स्क्वायर का लाप्लास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन
2 power 2 into s, oh sorry 2 bar मैंने already लिख चुका हूँ मैं, s cube, clear है? Because हम लिखते हैं Laplace of t power n equal to n factorial upon s power n plus 1, वही चीज मैंने किया है अभी, clear है? तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 से 2 ये cancel हो जाएगा, 1 upon s cube यहाँ पर correct answer होगा, 1 upon s cube. 1 upon s cube आप देख सकते हो, option C यहाँ पर correct answer इस question के लिए. Now next देखिए question number 36, again gate 2004 का एक question है, simple सा question है. Match the first order system given in the group 1 with the appropriate time constant in the group 2. तो group 1 में हमें यहाँ पर देखिए system given है thermometer system and mixing process. And group, ये group 2 है, group 2 में हमें उसके लिए time constant given है. टाइम कांस्टेंट, तो देखिए पहला है थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर के लिए हमें पता है, थर्मोमीटर के लिए हम लिखते हैं टाउ पी इक्वल टू थर्मोमीटर सिस्टम के लिए, हमने पढ़ा था मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर सिस्टम का एग्जांपल हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, तो उसके लिए हमें टाउ पी मिला था एमसीपी, टाउ पी इक्वल टू एमसीपी अपॉन एचए. तो आप देख लीजिए यहां पर थर्मोमीटर के लिए एमसीपी अपॉन एचए, तो यहां पर पी में ऑप्शन ए करेक्ट है, पी में ऑप्शन ए यहां पर सी एंड डी में है. नाउ नेक्स्ट मिक्सिंग प्रोसेस, तो मिक्सिंग प्रोसेस के लिए हमने हमने टाउ पी पढ़ा था V by Q, तो आप देख सकते हो V by Q कौन से सिस्टम में है, V by Q 3 ऑप्शन में है, मतलब Q में 3 हो गया, तो Q में 3 ऑप्शन D यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो गया. थर्मोमीटर के लिए MCP upon HA एंड मिक्सिंग प्रोसेस के लिए V by Q. ओके नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 गेट 2005 का ये क्वेश्चन है, द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद टाइम कांस्टेंट टाउ, विद टाइम कांस्टेंट टाउ एंड स्टेडी स्टेट गेन केपी इज गिवन बाय, मींस हमें एक यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है उसके लिए, द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद टाइम कांस्टेंट टाउ एंड स्टेडी स्टेट गेन केपी इज गिवन बाय. तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स इनपुट दिया हुआ है, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है कि इक्वेशन क्या रहेगी, हमने बहुत बार सोल्व किया इसलिए हमें पता है कि y ऑफ t इक्वल टू के पी, यूनिट स्टेप आ गया इसलिए मैग्नीट्यूड जो है वो m1 हो गया, यहां पर m भी आता है, सो ये हो गया yt इक्वल टू के पी इंटू 1 माइनस e पावर माइनस t बाई टाउ, ये इक्वेशन होती है. आप देख सकते हो यहां पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ए, केपी, बिकॉज हमें यही पूछा गया था, द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद टाइम कांस्टेंट टाउ एंड द स्टेडी स्टेट गेन केपी इज गिवन बाय, तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी वाई टी इक्वल टू केपी इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. प्रॉपर तरीके से आप सोल्व कर सकते हो इसको, एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम आप कंसीडर, उसका स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन आप लिखिए केपी अपॉन टाउ इनटू एस प्लस 1, यहां पर टाउ गिवन है इसलिए मैंने टाउ रखा है इसको. नाउ जो एक्स ऑफ एस है वो गिवन है यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स के लिए लाप्लास होता है 1 बाई एस, तो यहां से वाई ऑफ एस इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई एस इंटू केपी अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1. नाउ इसको आप अभी सोल्व कर लीजिए, केपी कांस्टेंट है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस ऑफ टाउ एस प्लस 1, यहां पर आप टाउ लिख दीजिए डायरेक्टली, आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी. नाउ इसका अभी आप एलसीएम इसको लिख लीजिए 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन टाउ. नाउ इसका आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो वाई एस वाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा, केपी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ आपको यहां से मिल जाएगा. प्रॉप आपको डायरेक्टली इक्वेशन याद होनी चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, बिकॉज बहुत बार हमने यहां पर डिराइव किया, इसको सोल्व किया है इस तरीके से, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर 2 मार्क्स है क्वेश्चन था गेट 2007 का. ओके नाउ देखिए यहां पर गिवन है द डायनेमिक मॉडल फॉर ए मिक्सिंग टैंक ओपन टू एटमोस्फेयर, द डायनेमिक मॉडल फॉर ए मिक्सिंग टैंक ओपन टू एटमोस्फेयर एट इट्स टॉप इज शोन बिलो इज टू बी रिटन. तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, डायनेमिक मॉडल लिखना है सिस्टम के लिए, जो हमें मिक्सिंग टैंक गिवन है, देखिए नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर रखा है, ये एक टैंक हमें गिवन है जिसमें देखिए एक स्ट्रीम यहां पर Q1 रेट पे जिसका टेम्परेचर टी नॉट है ये यहां पर इस सिस्टम में आ रहा है, देन सेकंड जो स्ट्रीम है स्ट्रीम 2 हम देख सकते हैं, ये स्ट्रीम 2 है, ये स्ट्रीम 1 है, ये इनलेट हो रही है यहां पर Q2 इसका अमाउंट है, इसका टेम्परेचर TS है, टैंक में जो होल्ड अप लिक्विड है उसका टेम्परेचर टी है एंड वॉल्यूम यहां पर वी है. नाउ आउटलेट में देखिए
टू स्टीम अपर्जेंट है, एक Q3 एंड एक Q4, दोनों का जो टेम्परेचर है वो टैंक के टेम्परेचर के साथ सेम रहेगा TT। तो ये अरेंजमेंट हमें दे रखा है। इस सिस्टम के लिए हमें यहाँ पर डायनेमिक मॉडल यहाँ पर लिखना है हमें, मॉडल मतलब आंसर। देखिए आप इस तरीके से आपको गिवन है कि ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन इस सिस्टम के लिए करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। ओके, नाउ आगे दे रखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग इज टू कूल द हॉट वाटर स्टीम एंटरिंग द टैंक एट ए फ्लो रेट ऑफ Q2। तो यहां पर ये वाला जो है ये हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर है, क्लियर है। द हॉट वाटर स्टीम एंटरिंग द टैंक एट ए फ्लो रेट ऑफ Q2 एंड फीड टेम्परेचर ऑफ TS, उसका टेम्परेचर TS है, विद ए कोल्ड वाटर फीड स्टीम एंटरिंग द टैंक एट ए फ्लो रेट ऑफ Q1। यहां पर ये कोल्ड वाटर एंटर कर रहा है, यहां पर पर्पज है इस हॉट वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करना, क्लियर है। ए वाटर स्टीम इज ड्रॉन फ्रॉम द टैंक बॉटम एट ए फ्लो रेट ऑफ Q4 बाई ए पंप एंड द लेवल इन द टैंक इज प्रपोज टू बी कंट्रोल्ड बाई ड्रॉविंग अनदर वाटर स्टीम एट ए फ्लो रेट Q3, नेग्लेक्ट द एवेपोरेशन एंड अदर हीट लॉसेस फ्रॉम द टैंक। ये कंडीशन हमें दे दी यहां पर, और यहां पर देखिए एक पंप यहां पर है जिससे एक फिक्स अमाउंट Q4 फ्लो यहां पर विड्रॉ कर रहे हैं टैंक में से, और एक और स्ट्रीम है Q3, यहां पर एक फाइनल कंट्रोल वॉल लगा हुआ है, इसके हेल्प से यहां पर भी हम विड्रॉल कर रहे हैं जो वाटर इसमें परजेंट है। नाउ अब इसके लिए हमें लिखना है बैलेंस इक्वेशन। देखिए ऑप्शन हमें गिवन है, सबसे पहले हम सिंपल इस सिस्टम पर, बिकॉज टेम्परेचर भी यहां पर चेंज हो रहा है T0 एंड TS, तो इस सिस्टम के लिए हम फर्स्ट ओवरऑल मास बैलेंस अप्लाई करेंगे, देन सेकंड हम एनर्जी बैलेंस अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी उनको हम इस जो आंसर हमें गिवन है उनसे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी इक्वेशन यहां पर हमारे सिस्टम के लिए करेक्ट रहेगी। क्लियर है यहां तक? नाउ तो सॉल्यूशन देखिए, यहां पर डेंसिटी कांस्टेंट है, ये एज्यूम हमें करना पड़ेगा, डेंसिटी की बात नहीं की तो कांस्टेंट रहेगी। नाउ फर्स्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं इस पे मास बैलेंस, मास बैलेंस हम यहां पर लिख रहे हैं, तो मास बैलेंस हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा इन माइनस आउट इक्वल टू एक्यूमुलेशन, क्लियर है। तो इन माइनस आउट, तो इन में हम देखिए हमारे पास दो स्ट्रीम है Q1 प्लस Q2 और डेंसिटी यहां पर रो मैंने लिख लिया, आउट में हमारे पास दो स्ट्रीम है Q3 प्लस Q4, उनको मैंने एक साथ एड कर दिया, रो इक्वल टू डी बाई डी टी एक्यूमुलेशन में हम लिखते हैं वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम वी गिवन है मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी रो, तो रो कॉन्स्टेंट तो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया इसको, यूनिट आप देख सकते हैं इसके लिए हमें मिलेगी केजी पर सेकेंड, मास बैलेंस हम लिख रहे हैं। ओके, तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी, देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो टाइम थी डीवी बाई डी टी मैंने यहां पर लिख लिया, डीवी बाई डी टी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 यहां पर नंबरिंग कर दिया, क्लियर है यहां तक? नाउ नेक्स्ट देखिए, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूं सेकेंड सिस्टम पे एनर्जी बैलेंस। ओके, यहां पर हम देखिए, ओके फर्स्ट इक्वेशन तो हमें यहां से मिल रही है डीवी बाई डी टी, तो हमारे पास इक्वेशन आई है Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, तो आप कंपेयर कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में ही इस तरीके की इक्वेशन गिवन है, तो आपको ये एनर्जी बैलेंस यहां पर सोल्व करने की नीड भी नहीं है, विदिन 10 सेकेंड इजीली 10 टू 15 सेकेंड में आप यहां पर कमेंट कर सकते हो कि इसके लिए ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, लेकिन अगर आप यहां पर श्योर नहीं हो तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, एनर्जी बैलेंस भी आप अप्लाई कर सकते हो, एनर्जी बैलेंस हम लिख देते हैं सिस्टम पे, तो एनर्जी बैलेंस से हमें मिलता है देखिए इन, तो इनमें हो जाएगा Q1 इंटू रो इंटू सीपी T0 माइनस T, बिकॉज टैंक का टेम्परेचर T है और इनलेट टेम्परेचर T0 है, फिर हम सेकंड स्टीम के लिए लिखेंगे, सेकंड स्टीम के लिए हो जाएगा इनलेट, ये दोनों टर्म भी इनलेट है बिकॉज दो स्टीम यहां पर है इनलेट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, तो Q2 इंटू रो इंटू सीपी TS वहां पर टेम्परेचर है TS माइनस T। नाउ अब सबट्रैक्ट करेंगे इसमें रिमेनिंग जो टाइम है Q3 रो इंटू सीपी इंटू टी माइनस टी माइनस ऑफ Q4 इंटू रो इंटू सीपी टी माइनस टी, दोनों का जो टेम्परेचर आउटलेट का वो सेम है, तो ये देखिए टी माइनस टी ये अल्टीमेटली ये टर्म तो जीरो बनने वाली है, तो आप यहां पर आउट में जीरो लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए अक्यूमुलेशन जो टाइम आएगा उसमें रो सीपी इंटू वी को मैंने डायरेक्टली बाहर लिख दिया और टेम्परेचर जो है dT/dt। ओके, तो अब यहां पर रो सीपी भी आप कैंसिल कर सकते हो कंप्लीट इक्वेशन में से, रो सीपी यहां पर सेम टर्म है, इस यूनिट की इस इक्वेशन की आप यूनिट देखो तो आपको मिलेगा किलो जूल पर सेकेंड, यहां पर जो Q1 है वो है केजी पर मीटर क्यूब में, देन डेंसिटी मीटर क्यूब पर सेकेंड, और सीपी हम लिख सकते हैं किलो जूल पर केजी केल्विन, देन टेम्परेचर के लिए केल्विन, सो यहां पर सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा किलो जूल पर सेकेंड। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिलती है, यहां पर देखिए v इंटू डी टी बाई स्मॉल dT इक्वल टू यहां पर Q1 है, देन Q1
into t naught minus t plus q2 into ts minus t. तो ये इक्वेशन यहां पर मुझे मिल गई सेकंड इक्वेशन. आप देख सकते हो आप यहां पर ऑप्शन डी ही करेक्ट है. सेकंड इक्वेशन जो मिली है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो. v into dt by dt equal to q1 into t naught minus t plus q2 into ts minus t. तो सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ओवरऑल मास बैलेंस अप्लाई करके ही आप इसका आंसर कमेंट कर पा रहे थे. तो आपको एनर्जी बैलेंस अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. गेट एग्जाम में अगर आप एक बैलेंस अप्लाई करके अगर आप आंसर कमेंट कर पा रहे हो तो आपको आंसर करना चाहिए उससे. क्लियर है? बिकॉज उससे आपका टाइम सेव होता है. ये वाला जो आपने काम किया है इसका कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है. बिकॉज आप फर्स्ट और ओनली मास बैलेंस अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे थे. तो अब जो आपका टाइम है वो आप दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कीजिए उसको. इसी क्वेश्चन के पीछे नहीं कि मुझे तो एनर्जी बैलेंस अप्लाई करके भी मैं फिक्स आंसर के आंसर तो आपका स्टेटमेंट वन से ही निकल रहा था. अगर यहां पर एक ये जो इनमें से ए बी सी डी में से अगर दो ऑप्शन सेम दिए होते फर्स्ट पार्ट में डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर देन उस केस में आपको एनर्जी बैलेंस पे जाना है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39. गेट 2008 का एक क्वेश्चन है. द यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज गिवन बाय 2 इंटू देखिए यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज गिवन बाय 2 इंटू ई पावर माइनस 0.5 इंटू टी द गेन मतलब प्रोसेस गेन जिसे हम बोलते हैं केपी एंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोसेस गेन. टाइम कॉन्स्टेंट इज टाउपी. अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट बिकॉज एग्जाम में बहुत जल्दी करता है तो वो क्या करता है जैसे ही उसको फंक्शन मिलता है 2 इंटू ई पावर माइनस 0.5 टी तो वो क्या करेगा कि यहां तो जो कॉन्स्टेंट है वो केपी 2 हो गया और जो टाउ है वो यहां पर माइनस मतलब टाउपी मतलब 0.5. तो इस तरीके की गलती नहीं करना. देखिए 2 इंटू 0.5 आपको यहां पर गिवन है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. आपको क्या करना है यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स आपको गिवन है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए फंक्शन कैसा होता है. तो मैं प्रॉपर तरीके से डिराइव यहां पर मैं कर देता हूं. यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स के लिए हम लिखते हैं x ऑफ s इक्वल टू 1. यूनिट इंपल्स फंक्शन का लाप्लास हो गया 1. नाउ अब हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इक्वल टू kp इनटू tau p इनटू s प्लस 1. नाउ x ऑफ s यहां पर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर y ऑफ s इक्वल टू kp इंटू वन अपॉन के बी को मैंने यहां पर लिख दिया देन टाउ पी इंटू एस प्लस वन. नाउ अब इसको हम यहां पर डिनोमेटर में से टाउ पी कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर मुझे मिल जाएगा एस प्लस वन अपॉन टाउ पी. तो अब हम इसका जब इनवर्स लाप्लास लेंगे तो यहां पर वाई ऑफ एस वाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा. के पी इंटू टाउ पी यहां पर कॉन्स्टेंट है और इसके लिए लाप्लास हो जाएगा इनवर्स लाप्लास हो जाएगा ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली. अदरवाइज आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो. हमने अच्छे से यहाँ पर इंपल्स रेस्पॉन्स देखा था तो उसमें हमने डिराइव किया था yt इक्वल टू kp अपॉन tau p इनटू e पावर माइनस t बाय tau p होता है. अब इसको कंपेयर कीजिए जो फंक्शन हमें गिवन है इक्वल टू 2 इनटू e पावर माइनस 0.5 इनटू t. तो यहां से हमें मिलता है कि जो कॉन्स्टेंट है kp अपॉन tau p वो गिवन है 2. क्लियर है? एंड सेकेंड टाइम जो 1 अपॉन tau p है वो हमें गिवन है 1 अपॉन tau p इक्वल टू 5. तो यहां से मैं tau p कैलकुलेट कर सकता हूं. tau p आप लिखोगे तो ये हो जाएगा यहां पर 1 अपॉन 0.5 मतलब 2 आपको मिल गया. इस 2 को यहां पुट कर दीजिए तो यहां से आपको kp देखिए tau p आपको मिल गया है 2. नाउ अब यहां से आप kp कैलकुलेट कर सकते हो. tau p into 2 तो 2 into 2 4 हो जाएगा kp equal to 4. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पहले पूछा था पहले देखिए प्रोसेस गेन तो प्रोसेस गेन kp हमारा है 4 एंड सेकंड हमें पूछा है tau p टाइम कांस्टेंट तो ये हो गया 2. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ओके मैंने यहीं पे इसको सॉल्व कर लिया. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 गेट 2008 का ये क्वेश्चन है. ए यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन टू ए प्रोसेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रांसफर फंक्शन s plus 2 upon s plus 5 the initial value of the response of the process to the step input is. तो इस तरीके का numerical हम already solve कर चुके हैं. initial value हमें calculate करना तो initial value term आप apply करेंगे. so initial value term के according हम लिख सकते हैं यहाँ पर limit t tends to 0 at yt equal to limit s tends to infinity हो जाएगा s tends to infinity into s into y of s. तो ये हो गया इनिशियल वैल्यू थ्योरम. नाउ अब हमें देखिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन है gs इक्वल टू ys अपॉन xs इक्वल टू s प्लस 2 अपॉन s प्लस 5. नाउ अब हमें गिवन है यूनिट स्टेप इनपुट ओनली स्टेप इनपुट लिखा हुआ है.
तो स्टेप इनपुट के लिए बेसिकली यूनिट स्टेप इनपुट ही होगा, तो यहां से हम x ऑफ s लिख सकते हैं 1 बाई s, तो यहां पर हम पुट करेंगे तो यहां से y s हमें मिल जाएगा, y s इक्वल टू 1 अपॉन s में मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहां पे s प्लस 2 अपॉन s प्लस 5। नाउ इसको मैं पुट करूंगा यहां पर y s के लिए, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s इंटू 1 अपॉन s इंटू s प्लस 2 अपॉन s प्लस 5। नाउ s से s कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आप पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से आप एक एस कॉमन ले लीजिए, तो एस कॉमन लेने पर हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 बाई एस 1 प्लस 5 बाई एस। तो अब हम लिमिट इन्फिनिटी हम पुट करेंगे यहां पर, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी जो टाइम है ये जीरो बन जाएगा, मतलब ये जीरो होगी ये जीरो होगी, तो यहां से हमें आंसर मिल गया 1। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है 1 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमें कैलकुलेट करना है द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है इसके लिए हमें इनवर्स लाप्लास यहां पर कैलकुलेट करना है। नाउ ये गेट 2009 का क्वेश्चन है। देखिए हमें गिवन है ट्रांसफर फंक्शन ys अपॉन xs इक्वल टू 1 अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। तो अब सबसे पहले तो हम इसको डिनोमिनेटर को देखिए ब्रेक करेंगे, हम ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं s कॉमन लेते हैं फर्स्ट में से, ओके हम इसको लिखते हैं 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 2s प्लस 1 इस तरीके से, बिकॉज़ देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3s आ गया, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ओके देखिए ब्रेक हम कैसे करते हैं कि इनको प्लस माइनस करने पर ये वाली टर्म हमारी आ जाए, और इनका जो कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करने पर इस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो 2 इंटू 1 यहां पर भी 2 चाहिए हमें, तो यहां पर 2 इंटू 1 करने पर 2 आ रहा है। इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं, सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इन इस फर्स्ट दो टर्म में से एस कॉमन ले सकते हैं तो एस प्लस 1 मिल जाएगा, एंड लास्ट टर्म में 1 कॉमन लेने पर 2s प्लस 1 हमें मिल जाएगा। ओके यहां पर 2 भी आएगा, एस कॉमन लिया तो 2s प्लस 1, तो अल्टीमेटली हमें यहां से रूट मिल गए इसके s प्लस 1 एंड 2s प्लस 1। जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ब्रेक कीजिए, अल्टीमेटली आपको ब्रेक करना है। ओके तो ब्रेक करने के बाद अब देखिए ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है, ये gs बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन है, सो gs इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 इंटू 2s प्लस 1 हमें मिल गया। नाउ अब मुझे करना है इसका इनवर्स लाप्लास लेना है, इनवर्स लाप्लास लेना है मुझे इसका, तो इनवर्स लाप्लास मैंने यहां पर ले लिया। इनवर्स लाप्लास लेने पर देखिए जो जीएस है ये जीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ ये जीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास में यहां पर इक्वेशन है 1 अपॉन एस प्लस 2 इंटू 2 एस प्लस 1। तो इसको मैं देखिए सेपरेट कर सकता हूं यहां पर एस प्लस 2 2 एस प्लस 1, ये इक्वेशन हमारे पास। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ओके हमारे पास में s प्लस 1 यहां पर है, तो मैंने कुछ गलती की है, ये s प्लस 1 है ये 2s प्लस 1 है। तो हम जब अगर इस इक्वेशन का मैं एलसीएम लेता हूं तो यहां पर 2s प्लस 1 आएगा और यहां पर s प्लस 1 आएगा, तो मैं ये काम करता हूं यहां पर 2 लिख देता हूं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2s प्लस 2 आ जाएगा, ये क्लियर है। और यहां पर एक माइनस का साइन लिख देता हूं और यहां पर प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 2s एंड माइनस का 1, और ये हो जाएगा 2s, 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस प्लस का 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सेम। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर आप यहां पर लिखोगे तो आपको सेम एलसीएम लेने पे यही टर्म मिल जाएगी। तो अब इजीली इसका मैं इनवर्स लाप्लास ले सकता हूं, 1 अपॉन माइनस का साइन है बाहर लिख देता हूं माइनस का साइन, देन 1 अपॉन s प्लस 1 के लिए इनवर्स लाप्लास हो जाएगा e पावर माइनस t। सिमिलरली ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन s प्लस 1 बाय 2, तो इसका इनवर्स लाप्लास हो जाएगा e पावर माइनस t बाय 2। तो मुझे ये मिल गया यहां पर g ऑफ t इक्वल टू e पावर माइनस t बाय 2 माइनस ऑफ e पावर माइनस t। तो करेक्ट आंसर आप देख लीजिए ऑप्शन ए यहां पर है, ऑप्शन ए यहां पर आंसर है e पावर माइनस t बाय 2 माइनस ऑफ e पावर माइनस t। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 गेट 2012 का क्वेश्चन है। ए थर्मोमीटर इनिशियली 800 डिग्री सेंटीग्रेड इज डिप्ड एट t इक्वल टू 0 इनटू एन ओई बाथ मेंटेन एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द रिकॉर्डेड टेंपरेचर इज 130 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर 1 मिनट देन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द थर्मोमीटर इन मिनट। हमें कैलकुलेट करना है यहां पर टाइम कांस्टेंट tau p, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन यहां पर थर्मोमीटर इन ग्लास जो हमने थर्मोमीटर इन ओके जो हमने पढ़ा था थर्मोमीटर मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर सॉरी मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एग्जांपल पढ़ा था उसके लिए मैं डायरेक्टली लिखता हूं इक्वेशन डेविएशन वेरिएबल की टाइम में t इक्वल टू m इनटू 1 माइनस e पावर माइनस t बाय टाउ पी
ये इक्वेशन में लिख सकता हूं, और यहां पर जो मैग्नीट्यूड एम जो टाउ पी है बेसिकली वो होता है एम सी पी अपॉन एच है मर्करी ग्लास थर्मोमीटर के लिए. नाउ अब ये जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, देखिए थर्मोमीटर इनिशियली 100 डिग्री, इनिशियली जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको डिप किया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड में. तो यहां से मैग्नीट्यूड कितना मुझे मिल जाएगा, 150 माइनस 100 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया. तो एम मुझे मिल गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर मुझे मिल गया 100. तो इस डेविएशन वेरिएबल को मैं लिख सकता हूं टी माइनस टी एस एस इक्वल टू एम इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. तो यहां पर मैंने लिख दिया हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना 130 डिग्री, तो टी इक्वल टू 130 हो गया, टी इक्वल टू 130, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 100 डिग्री, मैग्नीट्यूड 50, 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. अब टाइम भी हमें गिवन है 1 मिनट, तो 1 डिवाइड बाई टाउ पी. तो इस इक्वेशन को हम जब सोल्व करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा, देखिए ये हो गया 30 इक्वल टू 50 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1 बाई टाउ पी, और फिर ये हो जाएगा ई पावर माइनस 1 अपॉन टाउ पी, यहां से कैंसिल हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.4. ओके तो यहां से आप देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन टाउ पी इक्वल टू ln ऑफ 0.4. तो यहां से अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा टाउ पी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ln 0.4. इसको आप सोल्व करोगे तो आपको यहां से मिलेगा टाउ पी इक्वल टू 1.09, और ये आंसर जो आएगा वो मिनट में आएगा, बिकॉज देखिए ये टी यहां पर 1 मिनट लिखा था तो टाउ पी भी मिनट में रहेगा. तो 1.09 ऑप्शन डी आप देख सकते हैं यहां पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का. नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43 है, गेट 2014 का इक्वेशन है. ए यूनिट इंपल्स रिस्पांस, यूनिट इंपल्स रिस्पांस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विद टाइम कांस्टेंट एंड स्टेडी स्टेट गेन केपी इज गिवन बाय. तो डायरेक्टली अब हमने यूनिट इंपल्स रिस्पांस के लिए अभी इसी लेसन में हमने लास्ट क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट जो क्वेश्चन था वहां पर हमने यूनिट इंपल्स रिस्पांस के लिए हमने लिखा था रिस्पांस. तो यूनिट इंपल्स रिस्पांस के लिए आता है रिस्पांस वाई ऑफ टी इक्वल टू केपी अपॉन टाउ पी, kp अपॉन टाउ या टाउ पी जिसको जो भी लिखो, इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. तो करेक्ट आंसर आप देख लीजिए यहां पर ऑप्शन टी, kp अपॉन टाउ इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. तो ये करेक्ट आंसर हो गया. अगर आपको सोल्व करना है तो यूनिट इंपल्स रिस्पांस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया x ऑफ s इक्वल टू 1, एंड ट्रांसफर फंक्शन आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का y s अपॉन x s इक्वल टू kp अपॉन टाउ इंटू s प्लस 1. तो यहां पर y s आपको मिल जाएगा kp अपॉन टाउ इंटू s प्लस 1. यहां से आप डिनोमिनेटर में से kp टाउ कॉमन ले सकते हो टाउ पी, तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1 अपॉन टाउ पी, और इसका जब इनवर्स लाप्लास हो गया तो वाई एस वाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा kp अपॉन टाउ पी इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. तो ये आ गया ऑप्शन डी. क्लियर, डायरेक्टली आपको फंक्शन याद होना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. जैसे ही यूनिट इंपल्स रेस्पॉन्स पढ़ा आपने आंसर देखा और डायरेक्टली चूज किया, इस तरीके से आपको आंसर याद होने चाहिए. मतलब जब जो फंडा है बेसिक अल्टीमेटली तो आप बोल सकते हो कि एक तरीके का फॉर्मूला है, विद इन 10 सेकंड आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए. इतने बार हम जब ड्राइव करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हमें याद हो जाती है. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ये इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन रहेगा. इसके बाद हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे वो नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे. गेट 2014 का ही अगेन ये क्वेश्चन है. अज्यूम दैट एन ऑर्डिनरी मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक विद अ टाइम कॉन्स्टेंट. देखिए जब भी ग्लास जो थर्मोमीटर की बात है तो थर्मोमीटर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करता है, ये हमें गिवन रहेगा. फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक को फॉलो करता है विद अ टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ 10 सेकेंड. तो क्लियर है, यहां पर टाइम कॉन्स्टेंट गिवन है 10 सेकेंड. इट इज एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट टाइम टी इक्वल टू 0. द थर्मोमीटर इज सडनली इमर्स्ड इन ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. द टाइम रिक्वायर्ड इन सेकेंड फॉर द थर्मोमीटर टू रीड द 95 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमें टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है. सो मर्करी ग्लास थर्मोमीटर फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक को फॉलो करता है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वेशन इसकी, टी ऑफ टी इक्वल टू एम इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ पी. यही इक्वेशन होती है. यहां पर देखिए हमें क्या क्या चीज गिवन है. टाउपी गिवन है फर्स्ट लाइन में 10 सेकेंड, देन उसके बाद में हमें जो मैग्नीट्यूड है देखिए 0 से इसको टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री चेंज हो रहा है. तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 100 माइनस 0, 100 यहां पर मैग्नीट्यूड हो गया. और फाइनली टेम्परेचर जो है वो अचीव जो करना है वो हमें 95 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ और यही चीज हमें तो इस टी को मैं लिख सकता हूं
small t of t minus t steady state equal to m into e power minus t by tau p. और time हमें calculate करना, तो simple सा equation है. इस type के बहुत सारे equation हमने solve किए. 95 minus steady state temperature जो कि 0 degree है, equal to 100 magnitude into 1 minus e power minus t by t calculate करना है, t by tau p. tau p यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से हम solve करेंगे इस equation को t के लिए, तो t equal to हमें मिल जाएगा 30 second, जो कि option C correct answer इस question के लिए. तो ये last question था इस lesson का, clear है guys? Okay, so remaining जो question है यहाँ पर first order system पर, वो हम last जो हमारा next जो lesson रहेगा उसमें हम discuss करेंगे proper, then उसके बाद में हम start करेंगे second order system. Okay guys, thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel CHEMGATE Academy.